हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन सिंह ऑटो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फोर स्ट्रोक बाइक और जो हमारी कार्स होती हैं इसके इंजन कैसे वर्क करते हैं। तो जस्ट जैसे कि इसमें कंपोनेंट्स होते हैं कुछ, तो हम फर्स्ट उसे जान लेते हैं। जैसे हमारा इनलेट वाल्व हो गया, ये हमारा स्पार्क प्लग होता है, ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व होता है, और ये हमारा पिस्टन होता है, और ये हमारी कनेक्टिंग रॉड होती है, और ये क्रैंकशाफ्ट। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि ये किस तरह वर्क करता है। तो जब फर्स्ट आप सेल्फ मारते हो अपनी बाइक को, किक मारते हो या सेल्फ मारते हो अपनी बाइक या कार को, तो हमारे जो क्रैंकशाफ्ट है ये रोटेट होती है, जिसकी वजह से ये मोशन क्रिएट होती है इसके अंदर, और ये हमारी मोशन ये पिस्टन पे जाती है। जब मोशन आती है पिस्टन पे, तो ये पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है रोटरी मोशन को। तो इसमें क्या होता है कि हमारा ये जो पिस्टन है ये सक करता है एटमॉस्फेयर की एयर को। जैसे कि आपने देखा होगा कि भी होली आपने खेली होगी, तो उसमें आप पिचकारी में जब वाटर भरते हो, फिल करते हो उसको, तो उसका जो लीवर है उसको पीछे को हम पुल करते हैं, तो फिर उससे जो अंदर क्रिएट सेक्शन क्रिएट होती है उसके अंदर वाटर फिल हो जाता है। तो इसी तरह कुछ इसमें होता है। इसमें हम जब ये सेल्फ मारते हैं, तो इसमें फर्स्ट हमारा एटमॉस्फेयर की एयर आती है इसके अंदर, और यहाँ से इनलेट वाल्व ओपन होता है इन सक्शन स्ट्रोक में। तो यहाँ से आते हुए यहाँ पे फिल हो जाती है एयर और फ्यूल का मिक्सचर। तो इसके बाद ये जो लास्ट होता है, इसमें TDC और BDC होता है, दो डेड सेंटर होते हैं, TDC एंड BDC। तो जब ये TDC से BDC की तरफ को आता है पिस्टन, उसके बाद जब लास्ट में पहुंच जाता है BDC पे, तो यहाँ पे उसके बाद ये अपवर्ड मूव करता है, उसको हम कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। यहाँ से ये कंप्रेशन स्ट्रोक में चला जाता है। फिर जो कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व, इनलेट एंड एग्जॉस्ट, दोनों वाल्व क्लोज होते हैं, तो इसके अंदर जब पिस्टन एयर और मिक्सचर को कंप्रेस करता है, बिल्कुल कंप्रेस कर देता है, ताकि इसकी एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करने के बाद इसके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद ये हम जब ये बिल्कुल टॉप डेड सेंटर पे यहाँ पे पहुँच जाता है, उसके बाद उसको उसको कंप्रेस करने के बाद हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से इसे बर्न कर देते हैं। यहाँ पे बर्न करने के बाद ये पिस्टन जो है हमारा TDC से BDC की तरफ को आता है, बिल्कुल जोर जोर से, मतलब धक्के से आता है एकदम। तो ये हमें इसको क्रैंकशाफ्ट को मूवमेंट देता है एक, तो इसको रोटरी मूवमेंट दे देता है। तो उसके बाद ये जो हमारा पिस्टन है ये लास्ट में जब आ जाता है BDC पे, तो BDC पे आने के बाद ये क्या करता है, यहाँ जो मोशन मिली हुई है वही मोशन जब अप में जाती है, तो क्या करती है ये कि जो हमारी यहाँ पे गैसेज है, बर्न गैसेज, इसको बाहर निकाल देती है थ्रू एग्जॉस्ट वॉल्व। ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है एट ए टाइम एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, और जो हमारे जिस टाइम स्पार्क होता है उसे हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं, और जिसमें सेक्शन होता है उसे हम सेक्शन स्ट्रोक बोलते हैं, जिसमें हम कंप्रेस करते हैं एयर को हम कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं, एंड जिसमें हम एयर और फ्यूल के मिक्सचर को जो बर्न हो चुका है उसको हम बाहर निकालते हैं, उसे हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं। तो फिर ऐसा ही साइकिल चलता रहता है इन पेट्रोल और डीजल इंजन, बहुत आर सेम, बट इसमें डिफरेंस ये होता है यहाँ पे इंजेक्टर्स लगे होते हैं डीजल इंजन में। यहाँ पे हम पेट्रोल इंजन का डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए हमें इसमें स्पार्क प्लग यूज़ किया हुआ है। तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग माय वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय फ्रेंड्स।